भारत माता की। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग टू चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग टू आवर क्लीग्स, गुड मॉर्निंग टू आवर श्री शर्मा साहब, मेंबर पार्लियामेंट ऑफ द जम्मू कंस्टिट्यूएंसी। वी आर वेलकम। टुडे इज वर्ल्ड हार्ट डे। वर्ल्ड हार्ट डे हर दिन मनाया जाता है, हर साल में। और वही चीजें आपके हार्ट पे लोड डालती है और वही एक हार्ट अटैक का रीजन बनती है फ्यूचर में जाके। अपना कोशिश कीजिए 30-40 मिनट की डेली वॉक आपके हार्ट के मसल जो है वो मोटे होने लगते हैं, फिर एक स्टेज के बाद वो अपनी पंपिंग लूज करना शुरू करता है और उसका साइज जो है इंक्रीज होने लगता है और वो इतना आउटपुट नहीं दे पाता जितना उसको देना है, जिसके कारण आपके वाइटल ऑर्गन जो है वो सफर करते हैं। इसलिए हाइपरटेंशन को सिंपल वर्ड में अगर कंट्रोल करना है, आपका नमक का इंटेक लेस देन 2 ग्राम पर डे, आप उतना ही नमक खाइए जो जस्ट आपको खाने में फीका लगे, जस्ट टेस्ट के लिए। कोई भी चीज़ जो ये पर एंटी साल्ट हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सैलेड के ऊपर हो, आपके चिप्स हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, वो पार्टी के दिवस में आप सबको शुभकामनाएं और जितनी जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट आए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक जितने भी मेरे टीचर्स हैं, डॉक्टर मोहन राज साहब हैं, मेरे दोस्त डॉक्टर टीचर हैं, हम सबने मिलकर सोचा है कि एक जो ग्लोबल बर्डन है कार्डियोवैस्कुलर का जो बढ़ रहा है, इसके साथ जम्मू भी उस बर्डन को कैसे कम करें, एक लेवल ऑफ अवेयरनेस कैसे जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेवल ऑफ अवेयरनेस टीम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को कैसे प्रिवेंट किया जाए। अब यंगर जनरेशन में हार्ट की बीमारियां ज्यादा कॉमन हो रही हैं, उनको हम ये अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि आप स्मोक नहीं करें, आप डायबिटीज का ध्यान रखें, आप ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखें, आइडियल वेट मेंटेन करें, स्ट्रेस के लेवल को कम करें, आइडियल डाइट लें और चलने की कोशिश करें और एल्कोहल जो लोग ज्यादा लेते हैं वो नहीं लें। तो ये सारे से रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ लोगों में जेनेटिक होता है हार्ट की बीमारी जिसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, पर उन लोगों को ज्यादा अवेयर रहने की कोशिश करनी चाहिए कि हार्ट की डिजीज को कैसे प्रिवेंट किया जाए। यही मकसद है मोटा नाम का कि लोगों को अवेयर करें। हमने स्कूल के बच्चों को भी इस बार इन्विटेशन दी है, उनको भी अवेयर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक इंडिविजुअल लेवल तक की चीज़ें हैं, एक फैमिली लेवल तक की है और एक सोसाइटी लेवल तक की है। तो
हर किस्म की अवेयरनेस को जनरेट करने की जरूरत है। यही मकसद है वोटर फार्म का, यही मकसद है आज हार डे मनाने का। और आज के दिन आपको भी शुभकामनाएं मिलेंगी और जितनी भी नॉलेज आप लोगों में पहुंचवा सकते हैं हार्ट की बीमारियों के बारे में, उसमें हमारा सहयोग करें। ये डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, सुशील शर्मा जी जो कि मेडिकल कॉलेज जम्मू में कार्डियो के हेड हैं, उनकी टीम और हमारे जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं जैसे मोहन लाल जी हैं, गुरजीत सिंह जी हैं, सब ने मिलकर आज वर्ल्ड हार्ट डे पे एक मैराथन ऑर्गेनाइज की है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि भूपेश्वर शर्मा जी हैं, यहां के मेंबर पार्लियामेंट, यहां के बच्चे, यहां के हेल्थ फोर्सेज के लोग और सोशल एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा है कि लोगों को डॉक्टर्स की टीम अवेयर कर रही है। डॉक्टर सुशील वैसे ऑलरेडी गांव गांव में जाके ऐसे कैंप लगाते हैं, अवेयर भी करते हैं, ऑलरेडी अवेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया में आज सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही है हार्ट फेलियर से हो रही है, हार्ट डिजीज से हो रही है। अभी लोगों को अवेयर करना भी अच्छी बात है कि हमारा फूड हैबिट्स क्या रहना चाहिए। अगर हमें पहले पता लग जाए कि भाई ये डिजीज होने वाला है, उसे हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और जो हार्ट की बीमारी उसे बच भी सकते हैं। इसी तरह पीछे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, उन्होंने भी लोगों से अपील की कि भाई मेरे जन्मदिन के ऊपर आपने लड्डू नहीं बांट रहे, आपने मिठाइयां नहीं बांट रहे, आप सामाजिक काम कर रहे। उन्होंने कहा था कि भाई आप मेरे जन्मदिन के ऊपर ब्लड डोनेट करें। पूरे देश भर में बीजेपी और हमारे जो मोबाइल उन्होंने 1,00,000 यूनिट ब्लड, आप प्लांटेशन करो। आप जो टीबी है इस देश में हमने 225 तक खत्म कर दी है, आप टीबी के पेशेंट्स को अडॉप्ट करो। ऐसे सब मिलके हम समाज मिलके जिस तरह हमने कोविड को हराया, दुनिया में कोविड में लोगों की जान खतर, इस देश में आके जिस तरह प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप के अंडर जहां के डॉक्टरों की सेवा के कारण, लोगों की इम्यूनिटी के कारण, जिस तरह हमने वैक्सीन साइंटिस्ट के कारण वैक्सीनेशन तैयार की और हमने कोविड डिजीज को हराया, ऐसे अवेयरनेस कैंप लगा के मुझे लगता है कि लोगों को अवेयर कर सकते हैं और हम इस डिजीज को भी मतलब ऐसे देखिए 29 सितंबर को हार्ट डे मनाया जाता है विश्व भर में, तो ये एक अच्छी बात है कि भाई लोगों को अवेयर करने के लिए जानकारियां प्राप्त हों और लोगों को याद रहे कि हमारी जिंदगी जो है वो हार्ट पर निर्भर है, तो उसका ख्याल रखना है। और साथ में ये जो जम्मू कश्मीर, विशेष तौर पर हम इस समय जम्मू में हैं और जम्मू के हमारे जो डॉक्टर्स की ये एक टीम है, उन्होंने ये कदम उठाया है कि भाई लोगों को जागृत किया जाए, जिसमें हमारे डॉक्टर सुशील शर्मा जो है वो मुख्य तौर पर हमेशा हर साल इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं और फिर एक दौड़ भी लगाते हैं। इसके साथ और भी उनके सहयोगी डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुरजीत हों चाहे डॉक्टर मोहन जी हों या डॉक्टर दूसरे हों। और इससे एक लाभ यह रहता है कि अभी छोटी उम्र में भी बच्चे जो है ना, उन्हें थोड़ा जागृति मिलती है। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, हमारे बहुत ही अच्छे और एक सामाजिक सेवक भी हैं, अभी बात कर रहे थे कि भाई अभी खड़े खड़े यहाँ एक डॉक्टर जो है वो हार्ट के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे, तो अच्छा लगा जानकर कि भाई हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी हार्ट के क्या क्या इसका उपयोग हो सकता है और हार्ट को कैसे यानी कि इस्तेमाल करना चाहिए, तो अच्छा लगा। आज जहां विक्रम चौक से लेकर ये एक अपना सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जम्मू तक जो है वो हम सारे निकलेंगे, दौड़ लगाएंगे, जिसमें जम्मू के लोकल्स भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, कुछ ऑफिसर भी हैं और कुछ हमारी जो वेट फोर्स के लोग हैं वो भी हैं और हमारे पत्रकार बंधु जो हैं वो इसे कवर करने के लिए भी आए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने सेहत का पहले ध्यान रखना चाहिए। सेहत है तो सब कुछ है और सेहत होगी तो हम सेवा भी कर सकेंगे, इसलिए हमें ज्यादा अपनी सेहत पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और आज हर डे के विषय पर मैं जरूर इतनी बात कहूंगा कि खान पान पर कंट्रोल रखें और जैसे डॉक्टर बताते हैं चेकअप भी करवाते रहें, ताकि ये जो ज्यादा दिन ब दिन हार्ट के कारण